गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 19th में के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन आपके प्रेसिडेंट थे एन एस रेड्डी, उनका जन्म हुआ था 1913 में। ये आपके प्रेसिडेंट थे 6th नंबर के एंड ये आंध्र प्रदेश से थे। अच्छा, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें अपोज नहीं करा था। एंड आज ही के दिन आपके रस्किन बॉन्ड, चाइल्ड के ऊपर लिटरेचर लिखा जाता है, उनके फेमस ऑथर हैं और उन्हीं का जन्म हुआ था इन 1934। ये आपके वैसे तो ब्रिटेन के मूल निवासी हैं बट इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1934 में। इनको ही आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है एंड पद्म भूषण भी मिल चुका है। जब ये 16 ईयर्स के थे तभी इन्होंने अपनी पहली बुक लिख दी थी जिसका नाम था अनटचेबल, और इस टाइम ये मसूरी में रहते हैं एंड इन्हीं की नॉवेल्स के ऊपर बेस्ड थी आपकी मूवी सात खून माफ। एंड आज ही आपके नाथुराम गॉडसे का जन्मदिन भी है। ये पुणे के लॉयर थे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को असैसिनेट किया था बाय हिटिंग 3 बुलेट्स इन हिज चेस्ट। अच्छा, आज ही के दिन गवर्नमेंट ने नेशनल फिल्म बोर्ड बनाया था एंड आज ही के दिन हमारा पहला सबमरीन स्टेशन बना था, कहाँ? वीरबाहू, जो वाइजैक आंध्र प्रदेश में है। आज ही के दिन आपकी 1974 में रूबिक्स क्यूब बनी थी। ये आपके हंगरी के आर्किटेक्चर और मूर्तिकार थे, कौन? आर्नो रूबिक, उन्होंने बनाई थी और इसको सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट टाइम है 5.5 सेकेंड्स। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार किया जाता है। Who has become the Director General of National Real Estate Development Council? तो सही जवाब होगा राजेश गोयल। इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1998 में और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। अच्छा, अभी आपका 2016 में एक एक्ट भी पास हुआ था, रेरा एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, और जिसमें आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी गाइडलाइंस भी इशू करी थी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसमें बताया गया था कि जो आपके हाउस बायर्स हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दिया जाएगा क्योंकि उन्हीं के पैसों से ही तो वो फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। एंड बी विद्यावती, ये आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं। मनोज सिन्हा, ये आपके सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। एंड राकेश शर्मा, ये आपके इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। एंड ध्यान रखिएगा, मोटरसाइकिल से आपकी TVS कंपनी ने, नॉर्टन कंपनी है UK की, उसको एक्वायर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज स्टार्टेड ऑल इंडिया गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल? तो सही जवाब होगा कैनरा बैंक, और इसमें आपका इंटरेस्ट रेट होगा 7.85% और ये 30th जून तक ही वैलिड है। एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अभी नए MD अपॉइंट हुए हैं, कौन? जुबेर इकबाल। एंड पंजाब नेशनल बैंक ने अभी अपना नया लोगो भी बनाया है। इसमें लोन्स क्रेडिट देने की फैसिलिटी है, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हो गई उनके लिए, आपकी बिजनेस नीड्स हो गई, या फिर आपकी हेल्थ इमरजेंसीज हो गई, या फिर पर्सनल नीड्स हो गई। अच्छा, इमरजेंसीज से याद आया, अभी सिडबी ने आपका सेफ्टी प्लस कैंपेन भी स्टार्ट करा था। इसमें ना आपको जो एसेंशियल MSMEs हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा लोन। अभी तक तो उसकी लिमिट थी 50 लाख, मगर अब उसकी लिमिट कर दी गई है 2 करोड़, और ये 48 आवर्स में प्रोसेस किया जाएगा। और ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, इनके लिए है। एंड सेट भी आपका और न्यूज़ में था क्योंकि अभी गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम 2.0 इंप्लीमेंट हो गई है, उसमें आपका सेट भी पार्टनर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप हैज़ बीन कमीशन अंडर इंडियन नेवी? तो सही जवाब होगा इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-57। ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कमीशन की गई है, और इसे आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग, जो आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, उन्होंने बनाया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कमांडर इन चीफ हैं आपके PS राजेश्वर। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से चेन्नई तक अभी सबमरीन केबल प्रोजेक्ट भी बनाया गया था, ये आपका जापानीज कंपनी है NEC, उन्होंने बनाया था। और इसमें होता क्या है, जैसे जो आपका सी बेड है, समुद्र के अंदर आपकी सबमरीन्स होती हैं, तो सी बेड के अंदर एक केबल बिछाया जाता है जिससे जो लैंड पे स्टेशन है ना उनसे कम्युनिकेशन किया जा सके। एंड NEC इसके अभी नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं, कौन? आलोक
कुमार जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सही जवाब होगा शिकारकर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। तो सही जवाब होगा फैंग फैंग। यहाँ 25 जनवरी 2020 को आपका चाइना में लॉकडाउन पोज हो गया था, उसके बाद ही फैंग फैंग ने इन्फॉर्मेशन सोशल अकाउंट से इंटरनेट से कलेक्ट करनी शुरू कर दी थी इन द फॉर्म ऑफ डायरीज। और इसमें दिखाया गया है कि आपके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं पोस्ट लॉकडाउन के, किस तरह से इंटरनेट एक लाइफलाइन का काम करके गया, ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन भी कितनी फैली है इस इंटरनेट से, लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ डियर वंस। एंड कुछ आपके अभी फेमस ऑथर्स और भी हैं जो न्यूज़ में रहे थे, जैसे कि रुचिका तोमर, इन्होंने बुक लिखी है अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, और इन्हें इसके लिए पेन हेमिंग्वे अवार्ड भी मिला है। आपके शांतनु कुमार दास, इन्हें अभी नॉन फिक्शन कैटेगरी में द हिंदू प्राइज मिला है। इन्होंने ही बुक लिखी थी इंडियन एम्पायर एंड कल्चर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड इनके साथ ही फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड मिला था मिर्ज़ा वाहिद को फॉर हिज बुक टेल हर एवरीथिंग। एंड अभी आपकी मैरी जॉर्डन जो पुलिट्जर विनर हैं, उन्होंने ही अभी मेलानिया ट्रंप पे भी बुक लिखी है द आर्ट ऑफ अ डील। एंड अभी जे एम कोइट्ज़ी, ये आपके 2003 में नोबल लॉरिएट थे, एंड ये पहले ऑथर हैं जिन्होंने 2 बार बुकर प्राइज भी जीता है। इन्होंने बुक लिखी थी स्कूल डेज ऑफ जीसस, ये ट्रायलॉजी बना रहे हैं जीसस में, जिसमें बर्थ ऑफ जीसस, स्कूल डेज ऑफ जीसस एंड डेथ ऑफ जीसस एडिशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु हैज बीन स्वॉन इन एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल आफ्टर 18 मंथ्स पावर शेयरिंग। तो सही जवाब होगा बेनी गैंस। जी हाँ, बेनी गैंस और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में 18 महीने से एक पावर डील थी, तो ये दोनों मिलके ही लीडर ऑफ इसराइल एक्ट कर रहे थे, बट अब वो डील ब्रेक हो गई है और बेनी गैंस आपके डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, और ये आपके रूवन रिवलिन, ये आपके प्रेसिडेंट हैं इसराइल के ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर विद विच फिनटेक स्टार्टअप फॉर ऑनलाइन पेमेंट कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग एंड डिजिटल ऑर्डरिंग। तो सही जवाब होगा डॉट पे। मनीग्राम, इन्होंने अभी फेडरल बैंक के साथ टाइप करा था फॉर रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस ये आपके जो बाहर की कंट्री में लोग होते हैं जब वो अपने घर पे पैसे भेजते हैं उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। और डुंजो प्लस जोमैटो ऐप के साथ आपका बिस्लरी ने अभी टाइप करा था फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ इट्स पैकेज्ड वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज अप्रूव्ड DTIS स्कीम डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी हाँ, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये स्कीम लॉन्च करी है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, इसमें है क्या, जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं और जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 400 करोड़ तक का आउटले दिया जाएगा, जिससे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बना सकें, जो भी वो आर्टलरीज बनाते हैं उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बना सकें, उसके लिए ये स्कीम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, ICC हैज़ रिसेंटली बैंड बॉल शाइनिंग थ्रू सलाइवा विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज़ फर्स्ट कंट्री टू डू सो। तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही पहली कंट्री थी जिसने सलाइवा से उससे बॉल शाइनिंग नहीं की रहेगी, एंड ICC ने अभी इसे थ्रू आउट बैन कर दिया है। इसका ही हेडक्वार्टर है आपका दुबई में, एंड इसके ही आपके चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसके CEO है आपके मनु सुहानी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने अभी मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल क्राइम घोषित कर दिया था। तो आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज आस्क्ड चाइना टू लीव तिब्बतन बुद्धिज्म्स 11th पंचम लामा, जिनका नाम है गेदुन चोइकी न्यामी। तो सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ ये 6 साल के थे जब ही इन्हें चाइनीज अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया था इन 1995। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो सही जवाब था न्यूजीलैंड। जी हाँ, ये सुपर अर्थ उनके साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर करा है और ये 111 लाइट ईयर्स दूर है। वक्त चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैं आज की वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्ट्राइक्ड अ पावर शेयरिंग डील, और उसी की जुड़ी हुई रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान ने अभी एक मीटिंग भी बुलाई थी टू डिस्कस इट। सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर काइंडली रिवाइज इट। तो दिस वॉज ऑल, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 19th ऑफ मे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।